प्राचीन परंपराओं की तरफ। सिंहभूम में एक तरफ जहाँ लोह अयस्क या अन्य जो खनिज भंडार है उसकी तरफ गौर करें तो उस मामले में सिंहभूम काफ़ी धनी नज़र आता, लेकिन आदिवासी परंपराओं में कई ऐसी प्राचीन परंपराएं हैं जिसको अगर हम गौर से देखें, समझें, जाने, हालांकि ये परंपराएं अभी विलुप्त होती जा रही हैं, धीरे धीरे इन पर प्रयास शुरू किया गया है कि किसी तरह से भी इन परंपराओं को संरक्षित किया जाए, इनको सहेज कर रखा जाए। ऐसी एक परंपरा है सेकोर खेल की, और इसके साथ साथ एक रामदेन खेल भी होता है, और एक तीर धनुष ऐसा है जिस धनुष से एक बारगी कई तीर एक साथ बाहर निकलते हैं। आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे, और फिलहाल ये जो उत्साह दिखा रहे हैं ये किसी फुटबॉल खेल का उत्साह नहीं है, बल्कि सेकोर एक प्राचीन परंपराओं वाला, आदिवासी परंपराओं में ऐसा खेल हुआ करता था जो बिल्कुल लट्टू की याद दिलाता है। और ये खेल आदिवासी परंपराओं में इसलिए खास करके सिंहभूम कुल्हान के क्षेत्र में खेला जाता था ताकि इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएं और बारिश बहुत तेजी से बरसे, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये जो सेकोर का खेल है लट्टू की तरह घूमता हुआ ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया था। 60 के दशक से इसका नामो निशान मिट गया था, लेकिन टाटा कंपनी के माध्यम से इस खेल को फिर से संरक्षित किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है प्राचीन परंपराओं को। आइए देखते हैं सेकोर खेल की जो प्रतियोगिता है वो तांतनगर के गितिलादेर ग्राम में आयोजित की गई टाटा स्टील के सौजन्य से, और ये क्या परंपरा है इसके बारे में खास जानकारी लेते हैं भूषण पाठ पिंगवा से। समाज का पुराने जमाने में जब बारिश नहीं होती थी तो हमारे लोग ये सेकोर का खेल खेलते थे, दिन भर खेलते थे, और इस खेल से जो है ना वातावरण को प्रभावित करते थे, मौसम बन जाता था और फिर बारिश होती थी। तो ये हो समाज का एक पारंपरिक खेल है और ये बहुत प्राचीन खेल है हमारे समाज के। अभी क्या स्थिति पाते हैं ये सेकोर खेल की क्या स्थिति है? अभी इस खेल का धीरे धीरे, क्योंकि अभी लोगों का परिस्थिति अच्छा नहीं है जिसकी वजह से अभी खेल नहीं पा रहे हैं, और लोग भौतिकवादी ज़िंदगी में अपना भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं। टाटा स्टील भी इसको लेकर के काफ़ी चिंतित है, और ये टाटा स्टील दो बार इस सेकोर खेल का आयोजन किए हैं, एक बार जमशेदपुर करंडी में आयोजन किए थे और ये इस बार हम लोग का तांतनगर में, और ये युवा महोत्सव में प्रत्येक साल चैबासा में हम लोग करते हैं। अभी कितनी टीमें रह गई हैं कुल सिंहभूम में सेकोर खेल? सिंहभूम में अभी तांतनगर में लगभग 40 टीम है। ये एक अच्छी शुरुआत है, सेकोर का जो खेल है प्राचीन परंपराओं के साथ है, जो लुप्त प्राय है और जर्जर अवस्था में कई व्यवस्थाएं हैं, ऐसी अवस्था के बीच इस व्यवस्था को देखकर लगता है कि जो प्राचीन बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने लोग हैं, उनकी बातों को सीखकर समझकर हम अपनी परंपराओं को संरक्षित सुरक्षित रख पाएंगे। जिस तरह की फुटबॉल
खेल आज पूरे विश्व में एक अहम स्थान रखता है। भले ही क्रिकेट का ज़माना हो, लेकिन जब अगर फुटबॉल की बात आती है तो पूरा विश्व एक मंच पर खड़ा नज़र आता है। उसी तरह आदिवासी परंपराओं में, खास करके हो जनजाति बाहुल इस क्षेत्र कुल्हान में, सेकोर की जो खेल परंपरा है वो अपने आप में निराली है। सेकोर खेल जो है, इस खेल के बारे में, जो प्राचीन परंपराओं का खेल है, इसके बारे में फूलचंद समट जो गीतिलादर के मुखिया हैं, वो काफ़ी उनके प्रयास भी रहे हैं सकारात्मक रूप से। कला संस्कृति के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो उन्होंने एक हो जो नृत्य की परंपरा है उसमें एक अजीबोगरीब प्रयोग भी किया था। ये बातें हैं जिनको आहिस्ते आहिस्ते हम इस चैनल पर दिखाएंगे। फिलहाल मिलते हैं गीतिलादर के मुखिया से। सेकोर बोलते हैं, ये सेकोर खेल है। ये सेकोर खेल आज की बात नहीं है, मानव और दानव के समय लड़ाई हुआ था। इस लड़ाई में मानव लोग जीत गए और दानव हार गए, देवता लोग हार गए। तब से ये खेल हमारे ये हो समुदाय में आज भी हम लोग जीवित रखे हैं। 1960-64 के दशक में ये खेल खेला जा रहा था, उसके बाद से लुप्त होने के स्थिति में हमने 1993 से फिर इसको पुनर्जीवित करने का कोशिश किया और अभी विस्तार होने जा रहा है। अभी किस स्थिति में है खेल? अभी बहुत अच्छा प्रोग्रेस में है। सिर्फ गीतिलादर में जीवित हुआ था, गीतिलादर से अभी कई गीतिलादर में आप कितने टीम निकल गए, इसके अड़ोस पड़ोस में बहुत कुछ निकल गए, अभी तो तैपीर में निकल गया और धीरे धीरे करके विस्तार होने वाला है। ये आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का खेल। टाटा कंपनी का क्या इसमें योगदान रहता है? टाटा कंपनी हम लोग को सहयोग दिए हैं। हम लोग तो शारीरिक सहयोग, वो लोग आप क्या कहेंगे, धन से सहयोग कर रहे हैं। इन्हीं लोग के माध्यम से हम लोग सहयोग मिला है, तो अभी इतने बड़ा खेल आयोजन किए हैं। जो पारंपरिक खेल है हो जनजाति में, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सोकोर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ऐसे कितने जो प्राचीन खेल है उसको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए टाटा स्टील प्रयास कर रही है? जी, कई साल से टाटा स्टील अपने एक सोसाइटी जो ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी है उसके जरिए एक खेल को बचाने का काम कर रही थी, जो एक पारंपरिक आदिवासी खेल है जिसका नाम है काटी। तो हर साल एक बड़ा काटी का प्रतियोगिता जमशेदपुर के आसपास उसको ऑर्गेनाइज करते थे। पिछले साल इस प्रतियोगिता को हम अलग अलग जगह लेके गए, कोल्हान क्षेत्र में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, अलग अलग जहाँ जहाँ काटी खेला जाता है वहाँ पर हम लोग उसको लेके गए। इसके अलावा हम लोग ने ऐसे और कई खेलों को ढूँढा जो पहले खेले जाते थे, बहुत सस्ते टिकाऊ खेल है जो गाँव गाँव अखाड़े में खेले जा सकते हैं, लेकिन
आजकल फुटबॉल और क्रिकेट के चलते ये सारे खेल धीरे धीरे एक एक करके लुप्त होते जा रहे हैं। आजकल के जो युवा पीढ़ी है उन लोग को इस खेल के बारे में पता भी नहीं है, खेलना तो दूर की बात है, उनको इसके बारे में जानकारी तक नहीं है। तो पिछले साल हम लोग ने दो और खेलों को पुनः जीवित किया जिसका नाम है छूर और एक खेल है जिसका नाम है बहुचोर। तो बहुत ही आकर्षक खेल है, बहुत ही मनोरंजन खेल है। इस साल हमने सोचा कि क्यों ना सेकोर, जो एक बहुत सीमित जगह पे खेला जा रहा है, कई साल से यहाँ के जो लोकल निवासी है तंत्रनगर के, उसको प्रमोट कर रहे, उसको बचाने का काम कर रहे, करीब 93 से इन्होंने इसका बीड़ा उठाया है। हमने सोचा हम भी इसमें जुड़ जाएं तो इसको और विस्तार से हम इसको फैला पाएंगे और इसको बचा पाएंगे। तो इसलिए अभी हम लोग ने सेकोर्ड को भी प्रमोट करने का काम किया है और एक खेल को आइडेंटिफाई किया है जो हम आने वाले दिनों में उसको भी पुनर्जीवित करेंगे जिसका नाम है रामदेव। इसमें होता क्या है इस खेल में जो अभी आपने सेकोर्ड में नहीं, इसके बाद रामदेव एक अपना आदिवासी वर्जन ऑफ अमेरिकन बेसबॉल है। तो उसी तरह चार गोले होते हैं, बीच में एक सेंटर में एक गोला होता है और एक टीम बॉलिंग करती है, दूसरा टीम उस गेंद को मारते हैं और चार गोला क्रॉस करके फिर अपने होम गोले में आना होता है। तो अमेरिकन बेसबॉल की तरह मिलता जुलता है। तो इसको और हमको रिसर्च करके, क्योंकि हमको डायरी, किसी पुरानी डायरी में इस खेल का विवरण मिला है, तो एक पैराग्राफ है सिर्फ, और उस पैराग्राफ को लेकर हम इसको और रिसर्च करके फिर लोगों तक लेके आएंगे।